यू आर अ बियर, शी इज अ बियर, इसका मतलब क्या है? बियर का मतलब तो होता है भालू. तो मैम आप बोलेंगे, मैम आप क्या बोल रहे हो, यू आर अ बियर, तुम भालू हो, मैं क्या आपको भालू बोल रही हूँ, शी इज अ बियर, वो लड़की भी भालू है, इसका मतलब तो यही होता है. लेकिन आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो, क्योंकि यहाँ पर एनिमल से नेम से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस आने वाले हैं. देखिए, यहाँ बियर का मतलब भालू नहीं है, बल्कि बियर का मतलब यहाँ पर है अ सरली मैन, एक चिड़चिड़ा आदमी. यदि आप बहुत, एक आदमी बहुत चिड़चिड़ा है, उसको आप क्या बोलेंगे, यू आर सरली मैन, सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत कॉमन लगता है. लेकिन उसकी जगह यदि उसको एनिमल्स के नेम से रिलेट करते हैं तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, यू आर अ बियर. इट मींस बियर का मतलब होगा यहां पर यू आर अ सरली मैन, तुम चिड़चिड़े आदमी हो. तो यहां पर आपको ऐसे ही बोलना है, यू आर अ बियर. नेक्स्ट आप देखिए, यू आर अ कैट, शी इज अ कैट, तुम बिल्ली हो. ये किसी पर्सन की तरफ तुरंत उंगली करके बोलती हो, ए तू बिल्ली है, या किसी लड़की की तरफ उंगली करके बोलती हो, ए तू बिल्ली है, तो वो सुनने में कैसा लगेगा, बहुत अजीब लगता है. बोलेंगे क्या बात है, इंग्लिश तो आते नहीं है, केवल एनिमल्स के नेम लर्न कर लिए. बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कैट का मतलब यहाँ पे बिल्ली ना होकर के स्पाइटफुल वीमेन होता है, एक चुगलखोर स्त्री. जो वो चुगली करती है, कानाफूसी करती है, चुगली करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यू आर अ स्पाइटफुल वीमेन. लेकिन इसके प्लेस पर यदि मैं ऐसा बोलती हूँ, यू आर अ कैट, तो सुनने में अलग लगता है, अजीब लगता है. तो आपको इसी तरीके के सेंटेंसेस यूज करने, अपनी वोकैब को इंप्रूव करना है. आगे देखते हैं, यू आर अ डक, ही इज अ डक, तू बतख है, वो लड़का बतख है, कैसा लगता है सुनने में, कुछ अजीब लगता है. बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इडियोमेटिक यूज देख रहे हैं एनिमल्स के और उनके नेम के. तो डक का मतलब यहाँ पर होता है एन इनोसेंट मैन, एक मासूम आदमी. कोई आदमी मासूम है तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यू आर एन इनोसेंट मैन, कितना मासूम आदमी है. लेकिन उसके प्लेस पर अब आप बोलेंगे यू आर अ डक, इसका मतलब भी बतख नहीं है, बल्कि मासूम आदमी ही होता है. आगे हम आते हैं, यू आर अ फॉक्स, तुम लोमड़ी हो, शी इज अ फॉक्स, वह लोमड़ी है. लोमड़ी की क्वालिटी क्या होती है, चलिए क्वालिटी छोड़िए, आप बोलेंगे मैम एनिमल्स के नेम नहीं है, यहां पर उसका मतलब जो है वो ये है, चीटर, क्योंकि लोमड़ी एक धोखेबाज होती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ऐसा माना जाता है. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कोई लड़की यदि बहुत धोखेबाजी करती है, कुछ भी बोलती है, या हमेशा हमें चीट कर रही, तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर अ फॉक्स, क्या तुम लोमड़ी हो, इट मींस आर यू अ चीटर, क्या तुम चीटर हो. तो फॉक्स का मतलब होता है चीटर. आगे देखिए, यू आर अ लैम्ब, शी इज अ लैम्ब, वह लैम्ब, लैम्ब मींस होता है मेमना, वह लड़की क्या लैम्ब है, इज शी अ लैम्ब, इसका मतलब क्या, अभी लैम्ब का मतलब क्या होता है. तो आगे आपको देखना है, लैम्ब का मतलब होता है एन इनोसेंट, एक इनोसेंट लड़की, एन इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट वीमेन. तो यहां पर आप बोल सकते हैं यू आर अ लैम्ब, इनोसेंट लड़की है तो आपको लैम्ब बोलना है, इनोसेंट लड़का है तो आपको डक बोलना है. तो आपको ध्यान रखना है ये सभी चीजें. अब आप यहां पर देख सकते हैं जो चीजें मैं अभी स्टेप बाय बता रही थी, ये सभी चीजें एक साथ आपको मिलेंगे. अ बियर, अ सरली मैन, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा आदमी. अ कैट, अ स्पाइटफुल वीमेन, चुगलखोर स्त्री. आगे हम देखते हैं, आगे का जो है हमारा अ डक, एन इनोसेंट मैन, आदमी के लिए हम अ डक बोल सकते हैं, एक मासूम आदमी. अ फॉक्स, अ चीटर, धोखेबाज, किसी के लिए भी यूज कीजिए, कोई गर्ल है, बॉय है, सबके लिए आप अ फॉक्स बोल सकते हैं, जो चीटिंग का काम करता है. अ लैम, एन इनोसेंट, यहाँ पर विमेन के लिए आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, एन इनोसेंट गर्ल, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं अ लैम. तो ये कुछ इस तरीके के एनिमल्स के नेम है जिनसे रिलेट वॉकेब आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये तो मैंने कुछ ही दिए हैं, आगे मैं आपको इससे और भी अच्छे अच्छे एनिमल्स के नेम लेकर आने वाली हूँ, ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिसके द्वारा आप किसी भी एनिमल्स को उसके वॉकेब से रिलेट करके अपने सेंटेंस को एक्सटेंशन दे सकते हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा, स्टेप बाय स्टेप जुड़िए मुझसे, और इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ तो स्टे कनेक्ट विद मी. थैंक यू वेरी मच.